दोस्तों आज हम आपको नूडल्स बनाना सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। देखिए कितना अच्छा बना है। तो ये देखिए दोस्तों, तेल गरम हो चुका है, इसमें राई दाना डाल दिया है, राई का तड़का मारेंगे और ये बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और हरी मिर्च डालेंगे ये देखिए। और दोस्तों इसमें आप लोग प्याज भी डाल सकते हैं, प्याज यहाँ अलाउ नहीं है इसलिए हमने नहीं डाला है। और ये देखिए बारीक कटा हुआ वो पत्ता गोभी और हरी मिर्च और शिमला मिर्च डाला है इसमें। गाजर हो तो आप गाजर भी डाल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा इसमें फ्राई कर लेंगे तेल में। उसके बाद दोस्तों इसमें नमक डालेंगे, ये देखिए जितना नूडल्स हो उतना स्वादानुसार इसमें नमक डाल देना। और इसमें अब पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर डालेंगे थोड़ा सा, ये देखिए 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च है ये, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसको अच्छे से मिला लेंगे, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है सब्ज़ियाँ। ये देखिए थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए बस, एकदम बढ़िया। और अब इसमें थोड़ा सा हम अजीना मोटो डालेंगे, ये देखिए दोस्तों अजीना मोटो डाल दिया है। अजीना मोटो दोस्तों चाइनीज आइटम कोई भी बनाओ तो उसमें बढ़िया अच्छा लगता है। और थोड़ा सा विनेगर डाल दिया है, इससे खट्टा होता है विनेगर, जिसे सिरका भी बोलते हैं। और इसको अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद इसमें ये देखिए नूडल्स डाल दिया है और इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये दोस्तों ग्रीन वाला नूडल्स है, बहुत ही अच्छा रहता है, ये सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। मैदा से तो नहीं बनता है, पालक और पता नहीं किस चीज़ से बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है। इसका एक अपना ही स्वाद होता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है। ये देखिए दोस्तों, इसको अच्छे से मिला लेना, बस नूडल्स हमारा बनकर तैयार है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। ये देखिए हम ऐसे ही आसान रेसिपी लाते रहते हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इससे थोड़ा दोस्तों चैनल भी ग्रो होगा और हमारा भी थोड़ा हौसला बढ़ेगा।